नमस्कार, एक फिर से स्वागत है भोजपुरी 24 इंटू 7 न्यूज़ में। मैं अशोक का दोस्त विष्णु पाठक अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील के साथ हमारी टीम आरा के धरती पर आ चुकी है, जो कि आपको बता दें कि वार्ड नंबर 44 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी एरिया सैनिटाइज नहीं हुआ है, और साथ ही साथ में कोई भी भाई बंधु के लिए राशन पासन का इंतजाम नहीं किया गया है। तो आइए कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है और अपने जनप्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से उनका सम्मान करते हैं, और अभी तक ले इतना कुछ हो गया क्या वो क्यों नहीं आया है ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ एक आप देख सकते हैं किस तरह से विकलांग भाई बैठे हुए हैं और अपनी स्थिति और परिस्थिति को सुना रहे हैं, तो ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि इनका कहना है कि राशन अनाउंसमेंट किया गया है कि गरीब भाइयों के लिए जिनके राशन कार्ड हो उन्हीं को मिले, लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं हो और जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो वो कैसे जिएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत कुछ लॉक हो गया है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद समझने की जरूरत है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्थिति किस तरह से चल रही है लॉकडाउन में। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, जितेंद्र कुमार। और ये बताइए कि लॉकडाउन का आज 10वां दिन है, 10वां दिन में किस तरह आपने परिस्थितियों को जिया और झेला है, और साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से एक और चीज खुलासा कीजिए कि आपके कोई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आए थे या नहीं आए थे। हमारे यहाँ वार्ड में, मैं 44 वार्ड का हूँ, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जो विधायक हो, सांसद हो, वार्ड पार्षद हो, कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं ये हाल जानने के लिए कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं है, सैनिटाइजर हुआ है नहीं हुआ है, आपका राशन है या नहीं है। सरकार जो बोल रही है कि राशन कार्ड मिलेंगे, तो जिसके राशन कार्ड भारी है सरकार बोले उसी को फ्री में मिलेगा, एक महीना का मिलेगा, चाहे दो महीना का मिलेगा, चाहे तीन महीना का मिलेगा लॉकडाउन में। लेकिन जो नहीं है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, आपकी बातें कहीं ना कहीं बिल्कुल ही सत्य है कि आप अपने तरफ से सही हैं, और हमारे भी देखने से आपकी बातें बिल्कुल ही जायज हैं कि जिनके जो कार्डधारी हैं उन्हें तो राशन मिल जाएगा, जो कार्डधारी नहीं है उन्हें राशन कहाँ से मिलेगा। यही हम पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से कि जिसके राशन कार्ड नहीं है वो कहाँ से लाएंगे, लॉकडाउन में कहाँ से लाएंगे, सभी चीज बंद है, कमाई बंद है, आमद बंद है, तो कहाँ से खाएंगे, जो कमा कर खाते हैं उनके फिर जा रहे नहीं जा रहे, कहाँ से खाएंगे, जिसके पास है वो तो खा रहे हैं, जिनके राशन कार्ड है उनको लॉकडाउन में, जिनके पास नहीं है राशन कार्ड वो कहाँ से खाएंगे और कहाँ से खाएंगे। और बताएंगे कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ भास्कर समिति समूह चलता है, उस समिति के नाम पर आपको कुछ लाइव समझाने को दिया, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि जितने भी सामग्री दिया गया है क्या कुछ कम है या फिर और भी कुछ है? तो जितना मिला उतना कम है, इसमें चावल नहीं है, आटा है, चावल नहीं है, सरफ नहीं है, और क्या कहे। बिल्कुल, आपको वो चीज़ भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ समाज में अपना इस समाज को आपने वोट दिया है उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, और हम लोग एक सोशल मीडिया के तौर पर कुछ कर रहे हैं, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा क्योंकि जिनके पास है जो दान दाता है वो तो दे रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं दम, जो कमा कर खाने वाले हैं उनके पास नहीं है तो उसको दिया जाए, और हमारे परिवार में 8 परिवार है, हम अकेला कमाने वाले हैं और लॉकडाउन में सब बंद है, तो कहाँ से खाएंगे? ऐसे क्या करते हैं प्रतिदिन, आप क्या करते हैं? कमाते हैं किसी दुकान पर कटकर कमाते हैं, चाहे आप जैसे भी कमाते हैं। लॉकडाउन में वो चीज बंद हो गया है, विकट स्थितियों का आपने सामना किया, 10वें दिन है लॉकडाउन का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से और अपने वार्ड नंबर 14 के जन प्रतिनिधि से? 44 वार्ड नंबर 44 के जन प्रतिनिधि से यही कहना चाहेंगे कि वो एक बार मोहल्ले में घूम कर देखे, वार्ड में, अपने वार्ड में घूम कर देखे, ताकि किनके पास दयनीय है और किनके पास नहीं है उनको सहायता दी जाए। लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं होता तो उनको याद नहीं किया जाता, चाहे वो भी याद नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने सगे संबंधी हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर किसी भी जो हमसे लगाव रहता है, हम लोग एक विकट परिस्थितियों में उनको पूछते हैं या फिर खुशी के माहौल में पूछते हैं। तो अभी तो सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी एक
खुशी का माहौल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश में अन्य देशों में भी विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग सामना करेंगे और उनसे पूछेंगे, पूछने का हक भी बनता है। तो इसी तरह बने रहे और देखते रहे भोजपुरी 24x7 न्यूज़। मैं विष्णु स्वाटक अपने सहयोगी कैमरामैन सोलह के साथ आ रहा भोजपुर बिहार की टीम एक बार फिर से आपको ऐसे ही शख्सों से रूबरू कराएगी। इसी तरह बने रहे और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबाएं।